क्लास में जो भी लिखाया था, दैट इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहले लिखना शुरू करना भाई एक बार, बिना देखे आप लिखो कि कौन कौन सा क्या क्या फॉर्मूला है, आपको याद हुआ या नहीं हुआ, नेम्स याद हुए या नहीं हुए, दैट यू शुड ट्राई एंड राइट फर्स्ट। पहले कोरोना में चैप्टर तो हो रहा है, वो दोनों चैप्टर आ रहे हैं उनका। भाई जो लास्ट क्लास में किया था वो लिखना पूरा, और कोशिश करना कि ऑल द नेम पूरा कहा है, देखो ना, चेक करना नाम याद है कि नहीं है। भाई बस अब मुंह बंद कर ले। हाइड्रो कार्बन लेके चल रहे थे, दो फॉर्म बोला था, वन इज सैचुरेटेड, द अदर वन इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दो चीज है, एक एल्कीन एंड दूसरा एल्काइन। Saturated it is alkane. भाई ये तीन फॉर्मूला से। हाँ बोल बॉस। का alkane का C L तो नहीं C L S two L two L का alkane it is C N S two L two L alkane भाई दिस इज मिनिमम टू से शुरू होता है, ठीक है। नेमिंग इसका हमने किया था, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन वी कॉल इट एज मिथ, टू इथ, थ्री ब्यूट, थ्री प्रॉप, फोर ब्यूट, फाइव पेंट, सिक्स हेक्स, सेवन हेप, इतना ही काफी है इससे। एट ऑक्ट
बाई सी एच फोर ठीक है भाई, पहले भी बोल रखा हूँ फालतू के बकवास मत क्या कर, काम कर भाई। सबके पांच पांच मेंबर लिखो, सी टू एच फोर, सी थ्री एच सिक्स, सी फोर एच एट, सी फाइव एच टेन, सी सिक्स एच ट्वेल्व, एल्काइन इट इज सी टू एच टू, सी थ्री एच फोर, सी फोर एच सिक्स, सी फाइव एच एट, सी सिक्स एच टेन। भाई ये क्या था? नाउ इन तीनों में परिवार का नाम सबके आगे एन, ईन और आइन लगाया था। सो दिस इज मीथेन। भाई ये खुद से लिखना भाई नाम आप फटाफट, ये नहीं कि पहले भाई लिखना फास्ट जल्दी जल्दी दोबारा लिख भाई अभी भाई, राइट ऑल दी नेम्स सो दैट अभी लिखने बोला, अभी तो नहीं लिखा है, लास्ट क्लास में लिखा है, दिखा दोबारा लास्ट क्लास का, दिखा लास्ट क्लास में कहाँ था, जहाँ तक करवाया था आपने लास्ट क्लास में उसको मैंने लिखा ही, ये तो लास्ट क्लास का है, अभी लिखा है मैंने, ये दोबारा लिख, सुन लिया मैंने, समझ गया, चल लिख, इतनी बहस में नहीं करता मैं, फटाफट लिख, बट सच बोला कर, हेल्प करता हूँ, ठीक है, ऐसे विश्वास टूटता है, दैट इज रॉन्ग, कि मैंने अभी नहीं लिखा, भाई नेमिंग्स आपको थोड़े बहुत यूज्ड अप होंगे तो देन इसके आइसोमर्स लिखेंगे उसके नेमिंग में आपको फायदा होगा। आपने सिंगल कोई बात नहीं, याद है ना, अभी पूछूंगा, अभी करूं भाई, लिखते आ रहा भाई फास्ट जल्दी जल्दी लिखना, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द नेम। अबे सबके नाम लिख गवार, बाकी ओके, भाई इसके नेमिंग में अगर आप ये किया था, दिस इज सिंगल बॉन्डेड, दिस इज डबल बॉन्डेड एंड दीज आर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। नाउ लास्ट टाइम स्ट्रक्चर आपसे एक दो बनवाया था और
नाउ वापस पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में और किस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ मीथेन तो आपने बना लिया था, सपोज ऐसे इथीन बनाना चाहते हैं या इथाइन बनाने के लिए आता है, सपोज दे आस्क यू टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन के लिए, अगर मेरे को बोल दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नाउ सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू वुड राइट इथीन का फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे, सो इट इज C2H4। अब मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने नहीं भी आ रहा है तो भी आप बना सकते हो कि किस टाइप से बनाना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। भाई स्ट्रक्चर मुझे पता है कि इथाइन में डबल बॉन्ड लगता है और दो हाइड्रोजन एटम, कार्बन की स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बनाते हो, दिस इज एच एच सॉरी इथीन और ये बनता है, ये स्ट्रक्चर बनाने में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो आप क्या करो, पेंसिल से ये स्ट्रक्चर बना लो, कौन से ये जो डंडी बने हुए हैं उसमें। नाउ जस्ट रिमेम्बर दिस मच कि ईच हर एक के साथ में आपके पास एक एक पेयर अटैच होता है, कार्बन के चार हैं, ये एंड पे आप लगा दो, ठीक है, हाइड्रोजन के एंड पे भाई एक इधर इधर इधर। नाउ यू इफ यू मेक अ सर्कल और आप बीच के लाइन आप आसानी से इरेज कर सकते हैं, सो आई कैन इरेज दिस। भाई अगर आप पेंसिल से बना रहे हो तो ये बड़े आसानी से इरेज हो जाएगा, क्या आप इरेजर चला देंगे तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बना ले, अच्छी बात है भाई। नाउ अब मुझे सर्कल्स बनाने हैं अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन के, अगर लेके चलो तो आई वुड मेक दिस, इस हाइड्रोजन के लिए ये बनेगा, इस हाइड्रोजन के लिए ये बनेगा, इस हाइड्रोजन के लिए ये बनेगा, फॉर दिस कार्बन एटम इट इज दिस सर्कल एंड फॉर दिस कार्बन एटम इट इज दिस स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ गया तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है कि हर पेयर के लिए एक डंडी है, क्लियर है भाई। इनफैक्ट आपसे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर पूछ ले, यू कैन इजली मेक इट, कर लोगे भाई, समझ में आया। सेम वे यू कैन ड्रॉ फॉर इथाइन ऑल्सो, ठीक है। तो नॉर्मली यू एक्सपेक्ट कि मीथेन इथीन इथाइन ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो वो पूछते हैं, ठीक है। नाउ पूछते हैं नॉर्मली, यही पूछते हैं जो इतने दिन से सुना वो बताया तेरे को भाई, क्यों पूछते हैं ये तो मालूम नहीं, तो अच्छी बात है ना पूछा था। नाउ एक और चीज कर रहे हैं, दैट इज आइसोमर्स बोलते हैं भाई, देख रहा कहीं वर्ड दिख रहा आइसोमर्स, देख रहा भाई बुक के अंदर कहीं ढूंढना कोई वर्ड दिख रहा है इस उम्र,
बुक में से गायब ही हो गया भाई, कहीं ना कहीं तो होगा सर। दो तो नहीं है सर, दूसरी में आई तो मैं शायद लिख रहा हूं मैं। दिख जाएगा भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म या आइसोमर किसे बोलते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन विच have same molecular formula but different भाई, दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Those hydrocarbon which has same molecular formula but different structural formula are called isomers. Now, अब ये identification इतनी आसान नहीं होती है, इतनी आसान ये particular part नहीं होती है कि structure समझ में आ जाए, naming समझ में आ जाए। Based on this, we'll try and name a particular hydrocarbon. तो थोड़ी बहुत नेमिंग सीखने की कोशिश करते हैं। चलो पहले ऐसे में से करने की कोशिश करते हैं। सपोज आई टेक ब्यूटेन, आपके सिलेबस में एक ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है। इसके फॉर्मूला क्या है? C4H10 ब्यूटेन इज दिस, ठीक है। So in how many different ways can I write? By structure जब आप लिखे तो पूरी खोल के लिखे। This is the structural, this is molecular formula जो आप लिख रहे हो। कार्बन 4 चाहिए, हाइड्रोजन 10 चाहिए। तो पहला स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यू वुड फाइंड कि ये बन गया। जब भी आप बैलेंस करोगे यू आर गोइंग टू गेट दी सेम थिंग। दूसरा मैं स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करूं तो आई कैन तीन, नहीं अभी बताऊंगा, अभी पहले ये बनाया। नाउ इस तरह से अरेंज कर दिया। नाउ कैन यू बैलेंस विथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन से बैलेंस कर दे रहे, एक दो तीन, एक एक दो तीन, एक दो तीन। But if you find the number of hydrogen would come out to be 10 only, 10 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, same आ रहा है। Now, अब ये example है, ये दो isomers हैं किसके? Butane के। अब देख रहे हैं इसका formula क्या है, C4H10, इसका भी और इसका भी, दोनों का formula same है।
but they are not, both of them are not the same compound. इसकी naming अभी करेंगे. Now, one thing you have to always remember कि कभी भी end points पे branch नहीं करते हैं. ये इसे अगर main बोल रहे हैं straight chain, तो उसके साथ में जो branch होता है वो हमेशा end points पे कभी भी नहीं लगेगा. ठीक है भाई, टहनी एक दिख रही, ये लंबी डंडी, ये लंबी डंडी, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांच, जो इससे टूट के बनेगा. अभी पहुंचेंगे वापस इस पे नेमिंग करने के लिए. आप ऐसे ही करके यू ट्राई एंड ड्रॉ फॉर पेंटेन. That is C5H12. भाई आप structures बनाना अलग अलग, जो भी possible structure आपको लगता है. एक सीधा हो गया, फिर एक branch इधर लगा दिए, दाएं बाएं जैसे भी आपको दिखे लगा देना. मेरे से question मत पूछना, कुछ भी आपको जितने बना सकते हो वो बना देना. केवल आप ये ध्यान रखना कि end points पे नहीं बनाए. ठीक है सर, ब्रांच नहीं बनाए बस भाई, बना दे जो मर्जी आया बना, जैसे भी बनाना स्ट्रक्चर बना भाई. पेंटेन में जैसे मर्जी स्ट्रक्चर बना, सो तू पहले, बाद में वेस्ट करूंगा. हाँ क्या बोल रहा है सर, मैं देख नहीं रहा हूँ. पहले मैं इतना ही बोल रहा हूँ, जितना लाइन बोल रहा हूँ उतना सुनो और बनाओ भाई. जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, सुनाई दे रहा तेरे को क्या बोल रहा हूँ, जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं बनाओ. उसके अंदर सब में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए और 12 हाइड्रोजन आटम होने चाहिए. सर कोई जरूरत नहीं, लिखा नहीं दूंगा टाइम. नहीं बोल रहा हूँ, निकल सकता बीच वाले से. भाई बनाना फटाफट, 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ. 5 मिनट सेल स्टार्ट.
पहले बोल रखा हूँ कि ये सब फालतू के काम नहीं किया करो, मुझे पसंद नहीं है ये सब। जहां तक मजाक चलता है वहां तक ठीक है। सर एक डाउट है, दो मिनट रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। गलत कर रहे हो क्या सर? वो ब्यूटेन में आपने आपने बहस करेंगे अभी। गलत कर रहा हूँ मैं, बताऊंगा गलत जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सारे बना रहा हूँ, सबके कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? बट प्लीज अपने मुंह बंद कर ले प्लीज। मुझे मालूम है सारे ज्ञानी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। भाई अभी मैं बोला हूँ, अभी कुछ भी अभी बोला हूँ, अभी बना रहा हूँ ना, जो तुमने बना रखा होगा सबने अलग अलग। थोड़ा मुंह बंद करके रखोगे बता सकूंगा। Okay. भाई किसी और का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ अपार्ट फ्रॉम दिस? हाँ सर, एक बार तीन बार नीचे वाले पार्टनर से दो बार बन नीचे है, बीच वाले पार्टनर के डायरेक्शन में दो बार। सर मेरे एक और बंदा को बना के दिखाओ। सर मैं सर भी सर मैं मेरा भी डेटा बनाओ एक सर, और किसी का कुछ स्ट्रक्चर है? तुम्हारे पीछे वाला पार्टनर उसमें एक बार दिखाओ सर, मैं आपको बना के दिखाओ सर, एक बना के दिखाओ। नहीं बस अब रुक जाओ भाई, देख लेना अब अपने आप हमारे को पता चल जाए कि स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है, ठीक है? भाई मैंने क्या बोला, जो बना रखे इन लोगों ने वही मैं बनाया वापस, ठीक है? प्लीज वेट, पेशेंस रखोगे। नाउ कमिंग टू नेमिंग ऑफ किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए नेमिंग अगर करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन कंपाउंड देखते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड का मतलब कि सीधी काउंटिंग होनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेक, उसके अंदर ब्रांचेस नहीं लेके चलते हैं जब हम काउंट करते हैं तो, ठीक है? जो सबसे लंबा होगा वो लेके चलेंगे। नाउ इसके अंदर तो इट इज वेरी मच क्लियर, इट इज 1 2 3 4 5, इसके अंदर 1 2 3, इधर आई कैन टेक दिस एज 4 और दिस एज 4, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है? आई कैन टेक दिस एज 1 2 3 4, इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, और आई कैन राइट 1 2 3, इससे लंबा चेन। दो मिनट रुक जाओ, अभी पहले सुन लो इसके बाद बहस करेंगे। बोला ना भी पहले, ओ भाई क्या नाम है, रुकने के लिए बोला ना भी तेरे को।
If I start numbering this 1, 2, 3, 4, 5. Now आप देखो straight का मतलब ये नहीं होता कि सीधी डंडी हो. Even this is the longest chain what I am having. तो इसलिए end में आपसे मना कर रहा था कि end में बनाने से अलग नाम नहीं होता है. ठीक है. Now coming to this, if I take the longest chain 1, 2, 3, 4. This is the longest chain what I am having. या इधर से नंबरिंग कर लो, इससे लंबा नहीं दिखेगा इसके अंदर में. क्लियर है भाई ये चीज? भाई अगर आपने और भी स्ट्रक्चर बनाया है तो आप सबसे पहले नेमिंग करना. आप अपना अलग रखे रहना, मैं अपने आप बताऊंगा. लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन जो लंबा सबसे बन सकता है वो बताया अभी. हाँ बोल, अब क्या दिक्कत है? अभी बोला था, थोड़ा सुना कर, इसलिए मैं बोलता हूँ. तो केवल सुनता नहीं है, वापस रिकॉर्डिंग में सुनाऊं. ये बोला था कि ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, सुना कर अच्छे तरीके से. रुक जा, बस अभी रुक जा, मैं अपने आप बहस करूंगा, तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ लूंगा. ठीक है. नाउ वंस यू हैव नंबर्ड इट कि ये पांच चेन के लिए, बैठ जा, अभी कहाँ जाएगा, दो मिनट लगेगा, बैठ जा. नाउ ब्रांचेस आप देखो तो ब्रांचेस अलग अलग हो चुके हैं. नाउ इफ आई प्लेस हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ देम, आप लेके चलना कि हर पॉइंट पे हाइड्रोजन है. सो दिस इज हाइड्रोजन, 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 ये लगा. सब जगह पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं भाई. यू कैन पुट हाइड्रोजन एंड यू विल फाइंड कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन हर एक में सेम आएगा. वॉट एवर वे यू राइट, जब तक आप सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं. क्या कहां से छक्के आ गए भाई? लगा दूंगा भाई. हाँ नाउ इफ यू काउंट यू विल फाइंड कि हर एक में ऐसे टाइप से होता है. नाउ व्हाइल नेमिंग सबसे पहला चीज हम देखते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन. पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हमारा स्ट्रेट चेन. भाई ये सारे जो आपके सिलेबस में है केवल सिंगल बॉन्ड वाले. तो पांच के लिए ये क्या होना चाहिए? पेंटेन. सो फर्स्ट यू राइट दिस एज एन और इसे पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन इसका नाम होता है. ठीक है. हाइड्रोजन सब में डालना है, मैंने छोड़ रखा है, वो आप डालोगे जरूर. नाउ इसमें देखो ये चार है बट एक इस ग्रुप का नाम भाई CH4 होता है तो आप उसे मीथेन बोलते हो. और अगर CH3 और एक बॉन्ड निकला हो तो इसे आप मिथाइल बोलते हैं. इस ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल. क्लियर है भाई? अगर एक हाइड्रोजन मीथेन में कम कर दे तो उसका नाम क्या होता है? मिथाइल. नाउ कमिंग टू दिस नेमिंग, अब अगर इस नेमिंग में पहुंचे तो अब दूसरा होता है. आप देखो दोनों में अगर नेमिंग करो, पहले नीचे वाला मैं नेम करने की कोशिश कर रहा हूं. तो इसको कितने स्ट्रेट चेन किसका है? ये चार का है. तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए? ब्यूटेन. ठीक है. बट एक मिथाइल ग्रुप अटैच है. कहां पर अटैच है? सेकेंड वाले पे. तो इसका नाम अगर मुझे बोलना पड़े तो आई वुड नेम दिस एज 2-methyl-butane. ठीक है. सेकंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है. दो मिनट रुक जा भाई. सेकंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन सेकंड पे अटैच है तो इसे क्या बोलेंगे? 2-methyl-butane. अब रुकेगा भाई, पहले भी बोला ना, सांस ले ले. नाउ
ऊपर वाला नाम देखने से लगता है कि इट शुड बी 3-methyl butane, बट नेमिंग में एक और चीज ध्यान देते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं. द नंबरिंग कैन बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. आपको ऐसे नंबरिंग करनी होती है कि जिससे ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले. क्या बोला गया भाई? ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबरिंग मैंने किया है ये नंबरिंग सही नहीं किया है. सो आई शुड नंबर दिस फ्रॉम दिस साइड. सो दिस इज 1, 2, 3, 4. नाउ आप देखो 2-methyl butane. सो दिस एंड दिस स्ट्रक्चर बोथ आर सेम. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स. क्लियर है? तो कहने का मतलब मैं ये बना लूं या ये बना लूं, बात बराबर है. समझ में आई बात भाई? कमिंग टू दिस, नाउ इसमें से आप देखो पेरेंट हाइड्रोकार्बन 3 के हैं. सो 3 का इट शुड बी प्रोपेन. ठीक है, अब देखो नाउ इफ आई नंबर फ्रॉम 1, 2, 3 दिस साइड और 1, 2, 3 दिस साइड, दोनों तरफ से 2 ही आ रहा है ब्रांच को. सो इसलिए दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. देखने से दिख रहा है भाई, दोनों ब्रांच इसमें ही तो आ रहा है. सेकंड कार्बन आटम के ऊपर है या नहीं है? सो ब्रांच क्या होता है? पेड़ क्या होता है? भाई ये दो अगर मेन हाइड्रोकार्बन है तो साइड में जो नंबर ना हुए उसी को ब्रांच बोल रहे हैं. इसमें 2-methyl ग्रुप अटैच दिख रहा है. कहां पर अटैच है? सेकंड पे, दोनों सेकंड पे अटैच है. तो इसका अगर मुझे नेमिंग करना हो तो आई वुड, ये ऑब्वियसली प्रोपेन है ही है. सो आई शुड राइट 2, 2. ये क्या दिखा रहा है? पोजीशन दो बार है. सो आई वुड राइट डाई मिथाइल प्रोपेन. भाई 2, 2 क्यों? दो कार्बन एटम दोनों दो पे अटैच है, इसलिए इट कैन बी 2 और 3 ऑल्सो हो सकता था आगे कंपाउंड में. तो ये डाई का मतलब दो. अगर 3 होते तो आई वुड हैव रिटन एज ट्राई. ये दो पोजीशन बता रहा है कि कहां कहां पर है. अभी और जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे दिखता जाएगा. बस रुक जाए, पेशेंस रख, पूरा खत्म करने दे, इसके बाद क्वेश्चन पूछते रहना मेरे से. नाउ दिस इज, ये स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं 1, 2, 3, 4, 5, ये और ये सेम है. Yes. भाई ऐसे ही करके नंबर आएंगे? ओ भाई चंदू कहां खोए हुए हो, किसके नज ख्वाबों में. नाउ दिस, अब आप ये देखना 1, 2, 3, 4 ये आ रहा है. सो दिस इज सेम एज 2-methyl butane. जब देव यही होता है जब लाइन सुनते नहीं हो, इसलिए बोला बार बार कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं. लॉन्गेस्ट चेन क्या बना सकता है विदाउट एनी ब्रेक? 3 तो नहीं है ना, 4 है ना. ये तो लिख के दिखा दिया भाई. लॉन्गेस्ट मतलब ये सीधा नहीं होता, जरूरी नहीं है. ठीक है, स्ट्रेट चेन का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट बोल रहा हूं, ये सीधा ही होना चाहिए. यहां देख रहा है नंबरिंग किया ना विदाउट एनी ब्रेक. वी डोंट ट्रीट दिस एज अ ब्रांच. ठीक है, यहां पर जब मैंने किया तो ये 4 से ज्यादा तुम्हें दिख रहा है तो बताओ कि किसी तरह से और 4 से ज्यादा हो सकता है. तो ब्रेक हो जाएगा ना भाई 1, 2, 3, 4, 5. तो चेन तो ब्रेक हो गया या नहीं हो गया? तो चेन भाई पता नहीं क्या पीस है भाई, तो स्ट्रेट नहीं. नाउ एक दो नेमिंग और मैं कर रहा हूं, दिस विल क्लियर मोर ऑफ योर डाउट्स. अब देख लो कोई भी कंपाउंड हो, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंपाउंड. मैं एक यहां लगा दिया, एक यहां कार्बन लगा दिया. ठीक है, एंड हाइड्रोजन से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं इसको. हाँ, नाउ जिसकी औकात हो ये नेमिंग करें भाई. छक्के खाली बैठे रहे, नेमिंग करने बोला. ठीक है,
भाई आपको जो भी नाम है इसका लग रहा है, मुझे सही नाम नहीं चाहिए, बट आप केवल नाम लिखो। क्वेश्चन जिसके भी होंगे इसके बाद में आंसर खुद ही करूंगा, ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए ही है। कोई बात नहीं, होता है कई बार, कोई बात नहीं। लिख ले, बस लिखते जाओ, स्ट्रक्चर बना, लिखते जाओ। काम कर भाई, तू ये नाम कर पहले, अभी दूसरा समझ, पहले नेमिंग करना, गलत तो नेम कर सकता है ना, जो तेरे समझ में आया वो तो नेमिंग कर, छक्के टाइप मत बैठ खाली, स्ट्रक्चर बना और कर। भाई नाम लिख लिया भाई, बस बहस मत करो भाई। हाँ क्या नाम लिखा, कोशिश करता हूँ तुम्हारा। नाउ नंबरिंग, पहले तो ये दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन, अगर मैं लेके चलूं 1 2 3 4 5 6, इससे लंबा चेन हो नहीं सकता। 7 और 8 वहां पे नीचे, तो यार कैसे इसको समझाए, ब्रेक नहीं करना है भाई, कंटिन्यूएशन में, यहां से आके ये करेंगे थोड़ी आ सकते हैं, ये 1 2 3 एंड हो गया, 1 2 3 4 5 ये एंड हो गया, एंड हो गया ना भाई, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ बार बार। तो वहां पे नीचे फिर 1 2 3 क्यों नहीं कर सकते, क्यों ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन बोल रहा हूँ ना बार बार, सबसे लंबा जो हो सकता है, लंबा लंबा, तीन लंबा होगा या चार लंबा होगा, बाद में बहस करूंगा। पता नहीं, नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है, कोई कॉमन सी बात है, यही कॉमन सी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है छोड़ दे, टेक रेस्ट, अभी एग्जांपल दिखेगा। नाउ अब यहाँ पर देखना, आपको 6 से लंबा आपको स्ट्रेट चेन नहीं दिखेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो बनाने के लिए, 6 सबसे लॉन्गेस्ट है। नाउ नंबरिंग, एक मिथाइल ग्रुप यहां अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप यहां अटैच है, ठीक है, सेकंड पे और फोर्थ पे अटैच है, तो इसका नाम होना चाहिए 2, 4 डाई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन किसका है, सो इट इज, ये नाम अगर आपने लिखा है तो सही है, ठीक है। एक और करता हूं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी भाई। हाँ बोल ना, नहीं जा भाई, तुम्हें चाहिए कि ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। अब इधर से करता 1 2 3 4 5, 3 और 5 आ रहा था, ठीक है, इसीलिए इस तरफ से नंबरिंग नहीं किए। यू कैन सी दिस कि अगर मैं नंबर कर रहा हूं इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है, और आगे चल के आप ऐड करके भी देख सकते हो, 3 + 5 = 8, वो ज्यादा हो रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, 2 + 4 = 6 ही आ रहा है, सो आई वुड नंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड। रुक जाओ भाई अभी, पेशेंस, इसमें कोई डाउट है तो बोल। हाँ यहाँ से हाँ कर ले, क्या नाम बदल जाएगा क्या, बस ठीक है, खोखो खेल कर सकते हैं, क्यों नहीं, बोला तो बस अपना काम कर भाई, प्लीज फालतू के बकवास मेरे को एक जरा पसंद नहीं है, कुछ सीखने के लिए सीख रहे हो तो फायदा है। और भाई ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट दी पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, बट इसलिए करा रहा हूँ कि कई बार नेमिंग में आपको बहुत सारे आइसोमर्स में क्लैरिटी आ जाए। आप ये मत लेके चलना कि ये आपके एग्जाम में नेमिंग ऐसे आएंगे, दिस इज जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी आइसोमर्स, कि किस टाइप से आप आइसोमर्स डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, कहीं आप दोनों को एक जैसा ना ले लें, दैट इज दी ओनली पर्पस।
कोई रट्टा मारने के लिए चीज यहाँ पर नहीं है भाई, ठीक है। अगर तू बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, और थोड़ी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग क्या कर, थिंग्स वुड बिकम सिंपल फॉर यू। भाई इसकी नेमिंग करने की कोशिश करना भाई, नेमिंग कर, लिख लिया नाम, लिख दे फिर बहस करेंगे। खूबी कुछ समझ में आ रहा है खूबी? Yes. भाई तीन मिथाइल ग्रुप अगर अटैच होता है तो ट्राई लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। नाउ वन इफ आई नेम दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आप देखो कि मिथाइल ग्रुप ये है, एक ये है और एक ये है, यही तीन मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं मेन चेन से अटैच्ड। अब दो मिथाइल ग्रुप टू पे है और एक किसके ऊपर है, फोर पे है। सो आई शुड राइट द नेम एज टू कॉमा फोर, ट्राई मिथाइल, और ये सिक्स है, सो दिस इज हेक्सेन। बुरा वो ये उसके नहीं बना रहा हूं मैं, मतलब दिस इज अनदर वन, दिस इज नॉट हेक्सेन के आइसोमर नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट आइसोमर्स ऑफ दिस। भाई ये क्लियर है भाई, ये इसका नाम ये होगा। दिस वॉज जस्ट टू काउंटर यू वाई आई वॉज राइटिंग टू कॉमा टू ओनली। अब देखो दो पे दो अटैच है तो हम वैसे ही लिखेंगे ना, तो इसलिए वो एक्चुअली आपको दिखाता है कि कहाँ कहाँ पर, और ये इतनी साइंटिफिक है कि आप इसको देख के ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो आप यहां से ये और यहां से ये, एंड ये आयुपिक नेमिंग इसे बोलते हैं, दिस इज सब कोई इसमें से एक ही जगह से करते हैं, और होल ओवर वर्ल्ड इट इज स्टडीड इन द सेम वे। नाउ ये नेक्स्ट ब्यूटेन देखना, इसके अंदर इसका नेमिंग कर सकते हो भाई, वन दिस इज एन ब्यूटेन, इसके अंदर दिख रहा है एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इफ आई नंबर इट वन टू थ्री, भाई लेफ्ट टू राइट करो, राइट टू लेफ्ट करो, ऊपर से नीचे ऐसे करो, इट मीन्स द सेम, सो इट्स नेम इज, गलत बोला फिर से, इट इज टू मिथाइल फर्स्ट लेटर कैपिटल होना जरूरी है, एक के लिए जरूरत नहीं होती है। नाउ डाल देना भाई। नाउ ये आपके सिलेबस के हिसाब से दे कैन आस्क यू टू थिंग्स, राइट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। इसके आगे आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, लिखा हुआ यार। हाँ बोल, कुछ बोल रहा था, बहुत सारी चीजें जिंदगी में रट्टा मारने के लिए, अभी दिखाऊंगा मैं, मेरा नाम याद हो गया। बहुत बोल, कुछ बोल रहा था क्या आनंद, कुछ डाउट है क्या आनंद? हाँ बोल ना, कौन सा ये नेमिंग, ये नंबरिंग करने वाला भाई, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, बट ये देखते हैं कि ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। ब्रांच मतलब ये हो गया जो अलग से अटैच है। अब इसमें देखो इधर से नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते थे क्योंकि इधर थ्री आ रहा था, और इधर से कर रहे हैं तो ब्रांच को क्या आ रहा है, टू, तो इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे।
ठीक है, इसीलिए ये दोनों में देखो ये वन इधर से किए, तो ये और ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये एक ही है। तो आप देखो अगर जब आप नेमिंग करोगे तो आपको नेमिंग में अपने आप पता चलते है कि आपने अलग स्ट्रक्चर बनाया या सेम स्ट्रक्चर बनाया। हाँ बोल, किसका ये तो खुद बता, वन टू थ्री फोर है, कहाँ पर? सेकंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इसका नाम क्या हो गया? सेम एज दिस ओनली, किसके? पेंटेन के, पेंटेन के एक दो तीन, ठीक है, पेंटेन के बोल रहा हूँ भाई, एक दो और ये तीन। हाँ अभी क्लियर करूंगा। नाउ व्हाट यू रिक्वायर टू डू भाई, ट्राई एंड राइट आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, आप लिख के लेके आना आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, और आप नेम जरूर करना, ठीक है? अरे बहुत सारे होंगे, पहले तो अभी मिथाइल ही आ रहे हैं। यही भाई आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ भाई।